सोशल सेक्टरों से संबंधित बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सभी पात्रों को पेंशन आदि का पूरा लाभ देने का निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। और पेंशन योजनाएं इन पेंशन योजनाओं में सर कुल लाभार्थियों की संख्या इस समय वृद्धावस्था पेंशन में 1,44,54 है, विधवा पेंशन में 68,500 है, सीलिंग में इसमें इस समय सर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा और वहाँ करा देंगे पुराने वाले इसमें दो चीज़ें हैं सर। जैसे पहले लाभार्थी अपना आवेदन करता था तो वो केस दिया है, फॉर्म भरते टाइम स्पेस नहीं दिया, आधार कार्ड स्पेस दे दिया है, उस कंडीशन में उसका फॉर्म जो है फिर आधार से ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके नाम में आधार कार्ड में स्पेस है और उसने जो नाम भरा हुआ है उसमें स्पेस नहीं है, तो उस कंडीशन में वो ऑथेंटिकेट सर। श्री राकेश कुमार इसमें सर चूंकि ये पेंशन सर 1,000 हो गई है हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन में सर, इसमें बहुत अधिक खर्च वाला होने की संभावना रही है, तो एक उपाय ये हो सकता है कि हम 1,000 हो गए जनवरी से होगा कुछ 4,500 थी वो 3,000 हो गई पेंशन शुरू करने तो उससे सर थोड़ा ज्यादा अच्छा जो हार्ड कॉपी है सत्यापित वो लोग लेते हैं वो हार्ड कॉपी लेटर लिखिए वीडियोस को सकती है और संदेश भी व्हाट्सएप ग्रुप दे दीजिए मैं सबको डाल दूंगा, वीडियोस का मैसेजिंग कंट्रोलिंग हो ही नहीं पाता है। हाँ फिर पेंशन को ऑफिसर से नहीं मिली, पात्रों को कितना काटा इस साल फिटिंग हम लोग तो देते हैं तो वो बार बार आ जाते हैं, शिकायत आती है कि सर जो सत्यापन करके देते हैं क्योंकि फिट करता है यहीं पे तो वो बार बार छोड़ देता है, तो ये दिक्कतें जो बाहर के लोग हैं या जो